नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारस मर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुहेल देव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर की योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि आगामी नवरात्रे में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें लगभग तय माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया जाएगा। वहीं दारा सिंह चौहान, जो घोसी उपचुनाव में हार गए, उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, लेकिन उनको लेके अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी, राजभर को मंत्री बनना तय, दारा सिंह को लेकर मिल रहे ये संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार की तैयारी है। आगामी नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, हालांकि ये विस्तार बहुत बड़ा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार की तैयारी है। आगामी नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, हालांकि ये विस्तार बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। उनके साथ ही हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान की ताजपोशी की भी संभावना है। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह के सियासी भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक खासी भाग दौड़ की है। यूं तो योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं काफी दिनों से हवा में तैर रही हैं। कई चेहरों को लेकर कयासों के दौर चल रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। दरअसल कुछ मंत्रियों की कार्यशैली से सीएम भी बहुत खुश नहीं है, वहीं कुछ नए चेहरे भी टीम में योगी की जगह पाने में आतुर है। पार्टी के कई नेता तो इसे लेकर दिल्ली दरबार तक की फील्डिंग लगाने में भी जुटे हुए हैं, मगर फिलहाल चर्चाएं मामूली फेरबदल की ही ज्यादा हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल अगले दौर में होगा। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नवरात्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली दरबार से हरी झंडी हो गई है। इसी के साथ योगी वन में बाहर हुए ओम प्रकाश राजभर फिर योगी टू में टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। उधर घोसी की हार के बाद लगातार दिल्ली में डेरा डाले दारा सिंह चौहान की हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। इसी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही कारण है कि राजभर व नोनिया वोटों को साधने के लिए दोनों को साथ लेकर चलना चाहती। हालांकि दारा सिंह को लेकर पार्टी का एक तख्ता असहज है। उनका तर्क है कि हार के बाद भी मंत्री बनाने से कार्यकर्ताओं में अच्छा संकेत नहीं जाएगा। यूपी प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और विधायक लोकसभा चुनाव के टिकट की दौड़ में भी शामिल हैं। मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में मंत्री जितिन प्रसाद पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा सकती। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के नाम की चर्चा इटावा लोकसभा सीट से लेकर काफी जोर में है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम फिरोजाबाद से तो मथुरा सीट पर भी एक विधायक का नाम चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश मॉडल ने भी कई सांसदों की नींद उड़ा दी है।